आप देख रहे हैं अवध न्यूज़। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधी धड़ाधड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी असहायों की तरह अपराधों पर लगाम लगाने की बजाय उन्हें छिपाने का प्रयास कर रही है। बीती रात थाना क्षेत्र के एक गाँव में चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से आमजन अपने माल की सुरक्षा को लेकर भयभीत दिख रहा है। सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर निवासी काशीराम पुत्र द्वारिका प्रसाद के घर को बीती मंगलवार की रात चोरों ने निशाना बनाया। यहां चोरों ने उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जिस वक्त गृहस्वामी पूरे परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे। गृहस्वामी के मुताबिक उनके घर में सो रहे नाती अभिषेक कुमार की रात लगभग 3 बजे आँख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। संदेह होने पर नीचे उतर कर देखने पर पता चला कि किसी के द्वारा ताला तोड़कर घर में रखा सामान गायब किया गया है। सभी ने जाग कर जब पूरे घर के सामान को देखा तो पता चला कि कमरों के ताले तोड़कर उनकी बहुओं के जेवर, सोने की एक जोड़ी झुमकी, एक नथुनी, एक चैन, एक जोड़ी बाला, दो माला तथा चांदी का कमर बिछुआ, 5 जोड़ी पायल, 1 जंजीर, 2 जोड़ी बिछिया आदि चोरी कर ली गई है। इसके साथ ही फूल के 5 बटुआ, कटोरे और चमचे तथा कुछ अन्य बर्तन भी गायब मिले। कुछ सामान सहित 2 बक्से व जरूरी कागजों के गायब होने की पुष्टि भी भुक्तभोगी द्वारा की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उनके घर धान मशीन और एक वैन गाड़ी बेचकर रखा हुआ 2,76,000 रुपये व 1,60,000 की अलग रखी नकदी समेत लगभग 4.5 लाख रुपये की नकदी के साथ साथ जेवर बर्तन सहित करीब 8 लाख रुपये की संपत्ति चोरों ने चोरी कर ली। चोरों के घर में घुसने का अनुमान घर की पश्चिमी दीवार के सहारे छत पर चढ़कर आने का लगाया जा रहा है। पीड़ित काशीराम द्वारा घटना की लिखित तहरीर सदरपुर पुलिस को देते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सदरपुर उमाकांत दीपक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।